तो फाइनली इस बार हम आ चुके हैं अयोध्या के दीपोत्सव में, और पूरा शहर इतना खूबसूरत सजा है ना। अलग ही वाइब है यार। सोचा नहीं था कि ये भी कुछ होगा लेदर शो के अलावा। जैसा मॉल हमारे यहाँ दशहरे पे होता है, वैसा मॉल यहाँ पे काफी है। हमें 5 बजे तक यहाँ के दिए जलाने हैं। दादी ऊपर से पत्थर चला रही है। उत्सव यहाँ पे चालू हो चुका है। मोदी जी कहाँ हो? हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम है करण इंडिया वॉचिंग द कपूर व्लॉग्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली इस बार हम आ चुके हैं अयोध्या के दीपोत्सव में। टुडे इज 22nd और कल यहाँ पे फाइनली दीपोत्सव है, जो कि लाइक बहुत ही बढ़िया इवेंट होता है। हमने सोशल मीडिया पे ही देखा था, न्यूज़ में देखा था, बट फाइनली वी आर हेयर। और बाकायदा पास पास बनता है इसका यहाँ आने के लिए, बहुत महीनों से तैयारी चल रही थी। एंड इस बार पूरा दीपोत्सव आपको दिखाने वाले हैं। क्रेजी सीन से यहाँ बहुत तगड़ी वाइब है। काउंटिंग चल रही है यहाँ पे दियों की। सो डे 1 का आज लेज़र शो और पूरा जो भी होता है यहाँ कार्यक्रम ख़त्म हो चुका है। अब कल जो मेन इवेंट है यहाँ पे दीपोत्सव का, दीपोत्सव 2022, वो कल होने वाला है, जो कि है 23 अक्टूबर। एंड कल योगी जी भी आएंगे, मोदी जी भी आएंगे, एंड काफ़ी ज़्यादा इंटेंस माहौल रहने वाला है यहाँ का। और भाई बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी आज, मैंने इतनी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, ऐसा लेज़र शो भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। एंड जो वाइब थी वो लिटरली वर्ड्स में बताने लायक नहीं है। लाइक आप ये व्लॉग देख रहे हो, डेफिनेटली आपको मज़ा आ रहा होगा, बट यू शुड डेफिनेटली चेक दिस प्लेस आउट, कभी ना कभी चेक दिस इवेंट आउट, यहाँ ज़रूर आओ, नेक्स्ट लेवल है। कल मिलते हैं। सो आज डेट 2 है यहाँ दीपोत्सव का, लाइक फाइनल दीपोत्सव जो है 23rd ऑफ अक्टूबर को, और आज मोदी जी और योगी जी भी आएंगे और काफ़ी सारे VIPs। हम अपने होटल में गॉट दिस होटल फॉर लाइक 1600, बड़ी मुश्किल से, बहुत ही ज़्यादा मिन्नत हो के बात कोई होटल नहीं मिल रहा था। हम लोग कल हमने बहुत घूमा, गेस्ट हाउस धर्मशाला बिल्कुल अच्छे भी नहीं थे, बट होटल्स थे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली। ये किसी तरह नॉन एसी रूम मिला, बट बढ़िया था, काफ़ी काफ़ी बढ़िया। ये देखो पूरा
मेसी हो रखा है। बट अब जा रहे हैं हम लोग बाहर, नाश्ता वास्ता करते हैं, खाना वाना कुछ खा के फिर जाते हैं अंदर दीपोत्सव में, देखते हैं आज के सीन्स कैसे हैं। पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है, सो लेट्स सी हाउ दिस दीपोत्सव इज। यहाँ की रोड्स एकदम चमक रही है, लिटरली अभी बनी ऐसा लग रहा है, और पूरा शहर इतना खूबसूरत सजा है ना, ये आप झंडे देखो मेरे पीछे हर जगह सजे हैं, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, पूरी वाइब एकदम नेक्स्ट लेवल है। शहरा की वाइब्स होती है पूरी, वैसी वाइब्स थी यहाँ उससे भी ज़्यादा एपिक, पहली बार देख रहे थे ये, और मतलब अयोध्या आना वर्थ इट हुआ, लेज़र शो से ज़्यादा भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ, पूरा पूरा एकदम रामलीला टाइप का माहौल है, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल, भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी एकदम। आगे वाली भी
तो यहाँ पे लाखों दिए बिछे हुए हैं कि आज यहाँ पे दीपोत्सव है। बहुत सारे घाट हैं यहाँ पे लाइन से, और सब घाटों पे हर जगह जहाँ भी जगह मिल रही है वहाँ दिए बिछे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा लंबे स्केल पे। धूप यहाँ पे बहुत ही तेज़ है, बट अभी लगभग 3 बजे हुए हैं और सब एकदम फुल वाइब में, फुल जोश में, बिकॉज हमें 5 बजे तक यहाँ के दिए जलाने हैं। स्कूटर कुछ बजेगा, उसके बाद कुछ 5 मिनट मिलेंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पे धूप बहुत तेज़ है और फिर भी सबका जोश बहुत ही तगड़ा है। 5 बजे तक आपको यहाँ पे सारे दिए में तेल वगैरह डालना है, और देखो क्या तगड़ा वाइब है यहाँ की, क्या तगड़ी वाइब है। बहुत ही तगड़ा मैटर यहाँ चल रहा है, दादी ऊपर से पत्थर चला रही है, जो भी नीचे बैठा है उन पर अभी तो बात कर रही है, अभी पत्थर चला रही थी। जलाएगा 15 लाख दिन तक चलेगा।
नेक्स्ट लेवल वाइब है। तो मेरे मन में भावों की भावनाओं की भावुकता की हमारे ऊंची घाटों की रामो राज सदा विजय Thank you।
पे दीपोत्सव खत्म हुआ और खत्म होने के बाद पूरी जमीन में एकदम तेल ही तेल हो चुका है. बट द इवेंट वॉज लाइक वन इन अ लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस. बहुत ही ज़्यादा क्रेजी था, बहुत ही तगड़ा. अगर आप अयोध्या की दीपोत्सव में कभी नहीं आए तो यू शुड डेफिनेटली कम. एंड इसके बाद देव दीपावली आने वाली है हमारे बनारस की, वो भी देखेंगे. इफ यू लाइक द वीडियो टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कॉमेंट शेयर. मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया से वीडियो में, बढ़िया से जाना. थैंक यू.